भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार पूरे भारत में 30 और 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन एक भाई अपनी बहन से उसकी रक्षा का वादा करता है, साथ ही उसको कुछ उपहार भी देता है। आप अगर चाहे तो अपनी बहन को रक्षाबंधन पर ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जो उसे आर्थिक रूप से सुरक्षित करेगा। हाल के दिनों में गिफ्ट के रूप में FD, बीमा या अन्य निवेश पत्र गिफ्ट करने का चलन काफी बढ़ा है। आइए हम आपको बताते हैं कि आप कौन कौन सा फाइनेंशियल गिफ्ट अपनी बहन को दे सकते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले एक प्रकार के बचत योजना को सूचित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करना है। यह योजना साधारण बचत योजनाओं की तरह होती है, लेकिन इसमें विशेष रूप से महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना सामान्यतः एक निश्चित अवधि के लिए जारी की जाती है, जैसे कि 5 वर्ष या 10 वर्ष, जिसके दौरान एक निश्चित दर पर ब्याज के साथ निवेश किया जाता है। इसके बाद निवेशक को उनकी प्राधिकृत राशि के साथ ब्याज के साथ प्राप्त होती है। आप इसमें अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। FD फिक्स्ड डिपॉजिट एक प्रकार की निवेश योजना है, जिसमें व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि को बैंक या वित्तीय संस्था में जमा करता है और उसके विपरीत ब्याज या रुद्ध आय दर पर इसे ब्याज योग्य बनाता है। यह एक सुरक्षित निवेश योजना होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी पूंजी को एक स्थिर दर पर निवेश करके नियमित रूप से ब्याज कमाता है। हाल के दिनों में बैंक FD पर काफी ब्याज मिल रहा है, ऐसे में आप अपनी बहन को ये अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की ये बचत योजना है, जो कि नियमित निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे कि पोस्ट ऑफिस और बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होती है। NSC की एक निश्चित अवधि होती है, जैसे कि 5 वर्ष या 10 वर्ष, जिसके दौरान निवेशक निश्चित राशि को निवेश करता है। NSC की ब्याज दर समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसे वार्षिक ब्याज या प्राप्त त्रैमासिक ब्याज के रूप में प्रदान किया जा सकता है। NSC की निवेश राशि पर ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है और इसके बदले में प्राप्त ब्याज को आयकर की छूट मिल सकती है। किसान विकास पत्र काफी लोकप्रिय निवेश है। ये भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है, जो कि व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए पैसा निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे कि पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रबंधित की जाती है। KVP की एक निश्चित अवधि होती है, जैसे कि 5 वर्ष या 10 वर्ष, जिसके दौरान निवेशक निश्चित राशि को निवेश करता है। KVP की ब्याज दर समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह वित्त वर्ष या त्रैमासिक आधार पर देय होता है। KVP में निवेशकों को निवेश की राशि और उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज की संपूर्ण राशि की गारंटी मिलती है। हाल के दिनों में कई बीमा योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए काफी बेहतर हैं। इसके साथ ही आप अपनी बहन को बीमा के कैश बैक प्लान भी दे सकते हैं। इससे मुसीबत के समय आपकी बहनों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।